तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टीचर्स 50। काफ़ी बढ़िया विस्की है ये, ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। इसके ऊपर लिखा भी होगा, फोकस लेगा ये भी। ये रहा ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। तो ये जितनी भी स्कॉच विस्कियाँ होती हैं, इनका फ्लेवर होता है इनमें अपना अलग। तो इस पे देखते हैं, देखो इस पे लिखा है 12 साल की है ये, और इस पे एक जगह लिखा है टीचर्स 50। तो आधे लोगों को मालूम नहीं है कि 50 साल और ये 12 साल का क्या चक्कर है। टीचर्स 50 मतलब ये जब हमारी आज़ादी के 50 साल हुए थे तो उस टाइम निकली थी ये, तब इसके लिए इस पे टीचर्स 50 लिखा हुआ है। तब से हम टीचर 50 जानते हैं। और इस पे 12 साल एज, यानी कि 12 साल ये ब्लेंडेड है, यानी कि 12 साल ये ऑक वुड वगैरह में, जो इसका ऑक वुड का बैरल होता है उसमें रखी गई है। तो आज मैं थोड़ी ही पीऊँगा, बस मैंने शौक के लिए दो तीन पैग लगाने थे तो सोचा मैं आप लोगों को रिव्यू भी कर दूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को दिखा सकूँ इसके ऊपर कितना परसेंट अल्कोहल है। ये रहा 42.8% विस्कियों वाला ही है, नॉर्मल सब में 42.8 आता है, और बहुत ही बढ़िया विस्की है ये। मेरे को जिस दिन कम पीनी होती है, कम नशे, मतलब थोड़ा सा हल्का सा सुरूर करना होता है, तो मैं इस टाइप की विस्की पीता हूँ। ये ऐसी विस्कियाँ नहीं है कि आप लोग धड़ाधड़ नशे करोगे और पेलते जाओगे। तो ये रही इसकी बॉटल, टीचर्स 50। तो टीचर्स 50 की बोतल सिंपल है, ज़्यादा ऐसी नहीं है कि मतलब ज़्यादा डिज़ाइन की बना रखी हो, सिंपल सी बोतल है। IMFL की सील लगी हुई है और प्यारी सी बोतल है। तो मैं दो ही पैग लगाऊंगा अच्छे से, बस मेरे को ज़्यादा नशा करना नहीं है। बारिश हो रही है बाहर, मौसम अच्छा है इसलिए मैं, लेकिन आप लोगों को सब बता दूंगा इसका। अब इसको हम पोर करते हैं गिलास में, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे आ जाते हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करेंगे। एक बार मैं इसको खोल के फिर वीडियो पॉज करके करता हूँ वापसी। तो खोल दिया है मैंने इसकी सील, तो पोर करते हैं टीचर्स 50। तो इसका कलर नॉर्मल विस्कियों जैसा ही है, जैसा आप लोग बॉटल में देखो। इसका कलर कितना प्यारा है, वैसे इसका कलर है ब्राउन गोल्डन सा कलर है इसका। बहुत प्यारी विस्की है, इसकी स्मेल मेरे को यहाँ तक दूर तक महसूस हो रही है। तो इसकी पहले मैं प्राइस की बात कर लूँ, इसका प्राइस, मैं हरियाणा में हूँ तो इसका प्राइस आप लोगों को ये मिल जाएगी 1700 1800, और कहीं कहीं 1900 तक की भी मिलेगी, और कहीं कहीं 2000 रुपये की भी मिलेगी टीचर्स 50। इसकी एक और आती है हाईलैंड क्रीम, आप लोगों ने अगर देखी होगी तो उसका ये जो है क्रीम कलर का है, यहाँ ब्लैक है ना जो, वो क्रीम कलर का है। तो मैं आप लोगों को, मैंने आज थोड़ी सी पीनी है तो मैं आज आराम से ही पीऊँगा, लेकिन मैं फटाफट एक दो पैग लगा के आपको रिव्यू कर देता हूँ। वैसे मैंने पी है, ज़रूरत नहीं है बताने की, लेकिन फिर भी तो इसकी स्मेल बता देता हूँ। इसकी स्मेल थोड़ी सी विस्की जो मतलब कि ब्लेंडेड स्कॉच विस्की आती हैं, जैसे कि ब्लैक डॉग होगी या रेड लेवल होगी, उससे थोड़ी हार्ड है इसकी स्मेल। और इसके अंदर मैं बताऊं आपको, इसकी स्मेल एंटीक्विटी से थोड़ी मैच करती हुई लगेगी बिल्कुल। और भाई चकना, एक बंदा वीडियो में जब भी डालता हूँ मतलब चकना नहीं दिखाया, तो चकना देख लो, बस इतना बहुत है। तो ये जो जितनी भी स्कॉच विस्कियाँ होती हैं, महंगी विस्कियाँ होती हैं, इनके अंदर आप लोगों को मैं बता दूं, ज़्यादा पानी नहीं मिलाते हैं क्योंकि इनका एक अपना ही फ्लेवर होता है। अगर आप लोग ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि आप लोग
बनाओ पैक धड़ाधड़ नशे करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि धड़ाधड़ नशे करो इनके महंगी विस्कियों का, कभी ना करें। तो देखो इसका कलर बिल्कुल गोल्डन कलर आया है, बहुत प्यारा कलर आया है। देखो तो मैं टेस्ट करता हूँ थोड़ी सी। तो ये हल्की सी तेज है, मतलब थोड़ी सी हार्ड है हल्की सी। और इसको अगर हम लोग इसको मुंह में रखते हैं तो एकदम टेस्ट आता है ऐसे जैसे काफ़ी पुरानी चीज़ों का आता है ना, तो इससे पता लगता है काफ़ी पुरानी विस्की है। ये गले हम लोग जिम में रख रहे हैं तो थोड़ी सी हार्ड लगती है, ये इतनी सॉफ्ट नहीं है और इतनी मीठी भी नहीं है। हल्का सा इसमें स्पाइसी सा टेस्ट है थोड़ा सा। और ये टेस्ट इसका आप लोग जब तक मुंह पे रखेंगे थोड़ी देर बाद अपने आप गायब हो जाएगा, पता नहीं लग रहा है। और छाती में अभी ये बिल्कुल लाइट सी, बिल्कुल बहुत कम लाइट सी मेरे को महसूस हुआ गर्मी सी, हल्की सी, बहुत लाइट, वैसे कोई ज़्यादा नहीं महसूस हुई। और देखता हूँ थोड़ा, बिल्कुल। तो वैसे ये इतनी हार्ड नहीं है जितना अगर आप, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बिल्कुल ज़्यादा हार्ड नहीं है, हल्की सी हार्ड है, थोड़ी लगती है, मतलब थोड़ी सी लगेगी आप लोगों को, लेकिन ये यकीनन एक नंबर की विस्की है, आप लोगों को ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और ये मैंने एक दो वीडियो भी देखे हैं, वो लोग इसमें गिलास के अंदर इतनी सी डालते हैं विस्की, इतना पानी भर लेते हैं, उसका कोई टेस्ट तो पता लगता है ही नहीं, और उन पे व्यूज़ भी आ रहे हैं फिर भी। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को सही सही बताने की। आप लोग यार चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करा करो, अगर आप वीडियो देख लेते हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करा करो। तो और पोर करते हैं थोड़ी सी, मैं लाइट लाइट पैक इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं मज़े लेके पीता हूँ महंगी विस्कियों के। भाई पैसे लगाए हैं तो मज़े लो, आराम से पियो, क्या जल्दी है, धड़ाधड़ पीते जाओगे। तो इसलिए मैं आज एक दो पैग लगा के वीडियो बस उतनी ही बनाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। मैंने देखी है एक एक घंटे की, लोगों की आधे आधे घंटों की वीडियो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो यकीनन बहुत बढ़िया विस्की है ये, अगर आप लोगों को यहाँ मिलती है तो ज़रूर पिए। 12 साल, हाँ एक बात और, जो इसके ऊपर ये लिखा है एज, ये देखो ब्लेंडेड स्कॉच विस्की एज 12 ईयर। तो कई बोलते हैं भाई 12 ईयर की होती है क्या, 12 साल की अगर होती रहेगी तो हम लोगों को ये कब देंगे। तो फ्रेंड्स ये जो इस पे लिखा होता है, किसी भी विस्की पे लिखा होता है कि 4, 10, 12 साल, तो वो बिल्कुल उतनी जो लिखा है वो बिल्कुल उतनी होगी। ये क्या होता है, अलग अलग कंपनियों से, अलग अलग कंपनियों से, ये सब एक कंपनी की नहीं बनती, बैरल के अंदर रखे हुए ऐसी कई कंपनियां जो बैरल में रखती हैं विस्कियां बहुत बहुत साल पुरानी। तो जो इसकी है टीचर्स एंड सन्स कंपनी की है ये, तो वो उनसे बैरल ले लेती है वो 12 साल पुराने। और ज़रूरी नहीं है कि वो 12 साल पुराने हो, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्या पता 20 साल पुराना हो कोई बैरल। तो ये उनसे बैरल ले लेती है ओकवुड के, और जो ओकवुड के बैरल्स होते हैं वो लेके वो सब मिला के तब वो बनाती है ये विस्कियां। तो वो अकेली नहीं करती ये काम, और दूसरी दूसरी कंपनियों से लेती है। तो ये पैग और लगा लेते हैं, कभी भी महंगी विस्की पिए तो आप कोशिश करें कि पानी में ही पिए, टीचर्स वाली विस्की होगी या कोई भी महंगी विस्की, क्योंकि उनके फ्लेवर पता लगेंगे आप लोगों को। अगर आप सीधा बर्फ पे डाल के भी पीते हैं, कई लोग पीते हैं नहीं मिलाते इतना, अगर आप लोग सीधा बर्फ में डाल के भी पीते हैं तब भी थोड़ा सा टेस्ट उसका अलग हो जाता है, बर्फ उसको थोड़ा सा अलग कर देती है। तो मैं आपको इसका टेस्ट और बता देता हूँ अच्छे से,
क्या बात है यार, इसमें से थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी ऐसी टेस्ट आता है जैसे लकड़ी में रखी गई है काफी सालों तक। इस विस्की में से टीचर्स वाली विस्की 50 अगर आप पियेंगे तो उसको पी के देखना जरूर, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना और पीना तो ऐसा लगेगा लकड़ी का हल्का सा स्वाद आएगा, उसको बोलेंगे ऑक का स्वाद, ऑक वुड का स्वाद, बहुत प्यारा टेस्ट लगता है वो, अगर किसी को मालूम हो तो बहुत टेस्टी है। तो इसका नशा बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि अभी आप लोग बोलोगे कि ये तो पी थोड़ी सी है, अब मैं इसको टाइम भी लगाऊंगा, 10 मिनट का वीडियो वैसे भी हो गया। तो फ्रेंड्स मैंने पहले पी रखी है ये देखो मेरा गिलास दिखा देता हूँ मैं, ये देखो दिख रहा है टीचर्स, ये मेरा गिलास टीचर्स का ही है, तो मैं पीता हूँ इस विस्की को। इसका नशा बहुत बहुत बढ़िया होता है, हल्का हल्का सुरूर चढ़ता है, लेकिन जो अपनी ब्लैक डॉग वगैरह है इससे थोड़ा सा धीमे नशा करती है ये ना, सॉरी थोड़ा सा तेज नशा करती है, वो थोड़ा सा धीमे करती है इससे, ये नशा हल्का सा जल्दी करती है उनसे, वो थोड़ा टाइम लेके करती हैं, नशा इसका बहुत बढ़िया है। अगर कोशिश करें आप लोगों की मिलती हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, लेकिन महंगी विस्की है वो, आप लोगों की मर्जी है करें ना करें। और क्या बात बता रहा था यार मैं भूल गया, चलो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी वीडियो का आप लोग, किसी भी दारू का चाहिए आप लोगों को तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। टेस्ट बहुत प्यारा है, एक नंबर की विस्की है ये, नशा बहुत अच्छा करती है ये, ज़रूर ट्राई करें। चीयर्स।